हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया मंचूरियन, जिसके लिए मैंने न्यूट्री ले ली थी। उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया था और 10 मिनट के लिए रहने दिया था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे सारी न्यूट्री को। ये सारी न्यूट्री हमारी बाउल में आ चुकी है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक और मिर्च, हरी मिर्च बारीक की हुई। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये अरारोट। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून इसमें बेसन। कलर के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं फूड कलर, जो बिल्कुल हल्का सा मैंने लिया है, वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसके बाद दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, आधा कप, जिसकी हेल्प से हम ये इसको अच्छी तरह से जो मसाले हैं उसको मिक्स करेंगे, ताकि न्यूट्री के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है दोस्तों। इसको 5 मिनट के लिए मैंने रखा था, ताकि सोयाबीन के अंदर तक ये मसाले चले जाएं। दूसरी साइड मैंने पैन गरम कर लिया था, उसमें हमने ऑयल भी गरम कर लिया है। अब हम जो हमने बनाया है सोयाबीन के वो बैटर बनाया हमने, वो इसमें धीरे धीरे डालेंगे, और वो जो बॉल्स हैं इसको हम फ्राई करेंगे सोयाबीन को। 1 बाय 1 स्पून की हेल्प से, या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसकी हेल्प से, हम इन सबको ऑयल में डालेंगे और इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल डालने के बाद इनकी साइड वगैरह चेंज करते रहेंगे, ताकि ये सारी साइड से गोल्ड कलर की हों न्यूट्री, और दिखने में अच्छी लगेंगी। अभी हम इसको धीरे से टर्न करेंगे, ताकि ये सारी गोल्डन हो और अच्छी तरह से डीप फ्राई हो, ताकि जो इनके ऊपर जो कोटिंग की है वो सारी पक जाए, बेसन या कोई और चीज़ कच्ची ना रहे और ये क्रंची बने थोड़े। देखो फ्रेंड्स, ये अब इनका कलर थोड़ा चेंज होने लग गया है। इनको धीरे धीरे हम सारी साइड से गोल्डन करेंगे फ्राई करने के बाद। ये गोल्डन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे सोयाबीन हमने निकाल लिए। अब उसी पैन में एक्सेस ऑयल मैंने निकाल दिया, जितना हमें तड़के के लिए चाहिए था वो हमने रख लिया है। इसमें हमने कटा हुआ प्याज डाला हुआ है, जो कि स्क्वायर पीसेस में डाला है, और इसकी हर एक लेयर मैंने अलग अलग कर ली थी। सिंगल सिंगल करने के बाद इसमें डाला है मैंने। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली। इसको थोड़ा सा पकने देंगे, हल्का सा, इसका थोड़ा कच्चा बन ही रहे, हमने इसको पकाना नहीं अच्छी तरह। जस्ट थोड़ा सा इसमें जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, बट जो इसका टेक्सचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाली इसमें सोया सॉस, इसके बाद हम ले रहे हैं टमाटो सॉस जो कि लगभग मैंने 2 चम्मच के करीब ली है, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे सॉसेस के साथ। अब दोस्तों मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसके बाद दोस्तों मैंने लिया है कॉर्नस्टार्च 2 चम्मच जिसको मैंने पानी की हेल्प से मिक्स कर लिया था, इसको अब मैंने इस पैन में डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम फ्राई की हुई सोयाबीन डाल रहे हैं जो हमने पहले फ्राई की थी। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सोयाबीन है वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और जो बाकी चीज़ों के जो फ्लेवर हैं वो सोयाबीन में आ जाए। दोस्तों अब आप देख रहे हो थोड़ी सी ग्रेवी सी बन गई है इसके बीच में और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सोया मंचूरियन जो कि इसका नाम ही है, ये बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर हमने डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको एक बाउल में निकाल रहे हैं सर्व करने के लिए। अब हमारा सोया मंचूरियन जो बन के रेडी है, इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने पुदीने की हेल्प ली है, 2 पत्ती में पुदीने की स्पे लगाई है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना हुआ है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बना है। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।